यमुनानगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने रोड शो को खत्म होने के बाद मीडिया को रूबरू हुए। इसके दौरान सीएम कई मुद्दे की बातचीत के बारे में बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में अभियान 2 सिलसिला है, आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की जगह अभियान चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा विधानसभा के चुनाव को इकट्ठे हुए सवाल पर सीएम खट्टर ने बताया है कि आपको लगता है कि मैंने इस बात को नहीं, ऐसा कोई समाचार हमारे पास नहीं है। सीएम ने कहा कि 4 साल से उपलब्ध है जगह बात, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती पहले तो हम सिस्टम था सरकार का, उसको हमने पलटना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड की न्यूज चैनल के लिए पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट यमुनानगर से। भारतीय जनता पार्टी के जो संपर्क अभियान का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में स्थान स्थान पर कई प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एक रोड शो के कार्यक्रम है। आज यमुनानगर में लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम एक रोड शो के माध्यम से हुआ। हज़ारों लोगों ने उस रोड शो में भाग लिया और बड़े उत्साह से, बड़े चाव से उन लोगों ने इसमें भाग लिया है। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये रोड शो था जो यमुनानगर के नदो रोड मंदिर से शुरू होकर अग्रसेन चौक होते हुए गीता मंदिर, बारा चौक, खालसा कॉलेज, चिट्टा मंदिर, मॉडल बस्ती, प्यारा चौक, मॉडल टाउन, नेहरू पार्क और भगत सिंह पार्क पर इसका समापन हुआ। तो इतना ये एक रोड शो का कार्यक्रम था और ये आज 10वां रोड शो था मेरा। मैंने तय किया है कि जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं उन सब जगह पर रोड शो होंगे। और प्रसन्नता की बात यह है कि हमारा जो काम है, हमारी जो उपलब्धियाँ हैं, जब हज़ारों की संख्या में रोड शो में लोग आते हैं तो उससे निश्चित है, एक प्रमाण है इस बात का कि हमारी सरकार की गतिविधियों पर, सरकार की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं उनके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। और इसी प्रकार के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हम कई प्रकार के कर रहे हैं और मैं आने वाले समय में सभी विधानसभाओं में कोने के कार्यक्रम ये करने जा रहा हूँ ताकि वहाँ के लोगों से मिलना जुलना हो सके और संपर्क अभियान हमारा।